दोस्तों, एक ऐसी डरावनी फिल्म जिसे हम सब अपने बचपन में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते थे। रात में घर से अकेले बाहर निकलना भी दूभर हो जाता था। वीराना एक ऐसी हॉरर फिल्म थी जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। फिल्म की हीरोइन जैस्मिन की खूबसूरती को दर्शकों ने खूब सराहा था। जैस्मिन की खूबसूरती ने फिल्म में 4 चांद लगा दिया था। अगर 90 के दशक के बच्चों से पूछा जाए कि हॉरर फिल्म की उनकी सबसे पहली याद कौन सी है, तो उनका जवाब मिलेगा वीराना। 1988 में आई इस फिल्म ने ना सिर्फ बच्चे को बल्कि बड़े को भी डर के मारे चीखने पर मजबूर कर दिया था। रामसे ब्रदर्स ने उस जमाने में सिर्फ मेकअप से ऐसी हॉरर फिल्म बना दी थी जो डरावनी थी। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने वीराना जैसा कारनामा 80 के दशक में ही कर दिखाया। रामसे ब्रदर्स 7 भाई थे जो हॉरर फिल्म बनाने के लिए फेमस थे, या यूं कहें हिंदी हॉरर फिल्म के जनक रामसे ब्रदर्स ही हैं। वीराना की कहानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। IMDB के एक लेख के अनुसार 1983 में श्याम रामसे महाबलेश्वर से मुंबई लौट रहे थे। वो पुराना मंदिर फिल्म की शूटिंग पूरी करके महाबलेश्वर से मुंबई लौट रहे थे, तब उनके साथ एक डरावनी घटना हुई थी। फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग पूरी करके श्याम राम से जब लौट रहे थे, तब काफी रात हो गई थी और रास्ता सुनसान था। ऐसे में रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई दी जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। श्याम राम से ने महिला की मदद के लिए गाड़ी रोक दी। महिला श्याम राम से की गाड़ी के फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम ने उस महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना चेहरा खिड़की की तरफ करके बैठी रही। श्याम राम से जब गाड़ी चला रहे थे, अचानक उनकी नज़र उस महिला के पैरों पर पड़ी, जिन्हें देखकर फिल्म मेकर बेहद घबरा गए, क्योंकि उस महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे श्याम राम से ने गाड़ी रोक दी, जिसके बाद महिला खुद गाड़ी से उतर गई और अंधेरे में गायब ही हो गई। इसके बाद श्याम रामसे ने किसी तरह खुद को संभाला और घर पहुंचे। इसी घटना से प्रेरित होकर श्याम रामसे ने वीराना फिल्म बनाने की सोची। वीराना, जिसे याद करते ही चमकीली आंखों वाली जैस्मिन याद आती है, नकिता नाम की चुड़ैल याद आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वीराना फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक और मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वीराना 1985 में रिलीज होने वाली थी। सेंसर बोर्ड की वजह से फिल्म को रिलीज करने में 3 साल की देरी हुई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर से फिल्म के कुछ सीन्स को दोबारा एडिट करने को कहा। 3 साल की देरी, सेंसरशिप के साथ समस्याओं के बाद 1988 में फिल्म रिलीज हुई। फिल्म अनाउंसमेंट के दौरान जो एक्टर्स को साइन किया गया था, बाद में उनमें काफ़ी फेरबदल हुआ। फिल्म लॉन्च के दौरान राजन सिप्पी, रोशनी, प्रेम चोपड़ा, जगदीप, यूनिस परवेज और हुमा खान को फिल्म में लिया गया था। जो एक्टर्स वीराना में नहीं देखे गए, उन्हें 1985 में सामरी, 1985 में आई तहखाना जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। वीराना में 3 एक्टर्स का रियल और रील नेम एक ही था, जैसे कि जैस्मिन, हेमंत बिरजे और साहिला चड्ढा। फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना को बहुत से लोग नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन वीराना की एक्ट्रेस के नाम से जरूर जानते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार जैस्मिन ने 1979 में सरकारी मेहमान फिल्मों से डेब्यू किया था। वो 1984 में डिवोर्स नामक फिल्म में भी नजर आई। वीराना ने जैस्मिन को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में जैस्मिन ने एक ऐसी लड़की का रोल किया जो चुड़ैल के वश में है। एक निगेटिव किरदार निभाकर जैस्मिन रातों रात मशहूर हुई और रातों रात गायब भी हो गई। फिल्म के बाद जैस्मिन को अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दाऊद इब्राहिम जैस्मिन की खूबसूरती का कायल हो गया था। जैस्मिन ने तंग आकर देश छोड़ दिया और सूत्रों के अनुसार US में जाकर बस गई। फिलहाल जैस्मिन कहाँ है, क्या कर रही हैं, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। शायद ही बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जैस्मिन वीराना से पहले भी एक फिल्म में काम कर चुकी थी। जैस्मिन को इंट्रोड्यूस किया था जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एनडी कोठारी ने। इनकी पहली फिल्म 1979 में आई थी सरकारी मेहमान, जिसमें वो एक छोटे से रोल में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ विनोद खन्ना और अमजद खान भी नजर आए थे। और इसके बाद ही वर्ष 1984 में एनडी कोठारी ने फिल्म बनाई थी डाइवोर्स, और इस फिल्म में इनके साथ शर्मिला टैगोर और गिरीश कर्नाड भी नजर आए थे। 1985 में श्याम रामसे वीराना फिल्म बनाने के लिए एक नया चेहरा खोज रहे थे। जब उन्होंने सरकारी मेहमान और डाइवोर्स फिल्म देखी तो उन्हें जैस्मिन का चेहरा बहुत
पसंद आया और उन्हें फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। जैस्मिन को जो पहचान मिली वो फिल्म वीराना से ही मिली। वीराना में चुड़ैल का नाम नकिता है और ये किरदार कमल राय ने निभाया था। नकिता को कहानियों वाली चुड़ैल का ही लुक दिया गया था। कमल राय ने अपना मेकअप देखकर फिल्म छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान रात भर नींद नहीं आती थी, वो स्क्रिप्ट पढ़ने से भी घबराती थी। तुलसी राम से और श्याम राम से ने उन्हें फिल्म करने के लिए मनाया। वीराना फिल्म के डायरेक्टर थे श्याम राम से और तुलसी राम से और प्रोड्यूसर कांता राम से और अंजलि राम से थी। फिल्म वीराना का बजट 53 लाख रुपए का था। वीराना फिल्म ने अपने पहले दिन 92,000 रुपए का कलेक्शन किया था तो अपने पहले सप्ताह में 12 लाख का कलेक्शन कर लिया था। वहीं इंडिया से नेट कलेक्शन 2,20,00,000 का था और पूरे वर्ल्ड वाइड में फिल्म ने 2,80,00,000 रुपए कमाए थे। आपको बता दें दोस्तों, वीराना मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। वीराना 1988 की 20वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। श्याम राम से वीराना फिल्म का सीक्वल बनाने वाले थे लेकिन श्याम राम से के निधन के बाद उनकी यह फिल्म अधूरी रह गई। फिल्म वीराना का रीमेक 2001 में तहखाना नाम से बनाया गया था। हालांकि राम से ब्रदर्स ने इससे पहले भी 1985 में तहखाना नाम से एक फिल्म बना चुके थे जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी वीराना फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो शायद ही पहले से आपको पता रही होंगी।